अरे 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 भाग नहीं पा। तो गाइस अभी हम लोग कुत्ते के बच्चों को बिस्किट खिला के आ रहे हैं अनिकेत के साथ में। अचमके अभी आप भी खिलाइए ना। हाँ मैं तो एक खिला दिया। अरे बैठी। अरे 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 मेरे पास कुछ भी नहीं है मोटू। ले लीजिए ना भैया, नहीं खिलाएगा? नहीं खिला रहा हूँ, खिला रहा हूँ। देखो ए इधर है, इधर है, इधर है मोटू, इधर है। ये ना बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ऐसे इसको किसको उसको पकड़े थे शायद, एक आदमी रखी। मोटू कौन है सबसे ज्यादा? मोटू, इस मोटू को पकड़े थे। हाँ ऐसे पकड़े थे। चले ऐसे ही पकड़े थे, इसलिए नहीं पा रहा था। देखिए ना भैया, भैया गाय पैर उड़क दिए ना इसी के ऊपर। हाँ लात मारी है क्या? मारती है, मारेगी नहीं देखना मुझे वहीं पे। और पांच पांच हाथ क्यों रखते हो? अरे उसके सामने मत दिखाया करो ना यार, गाय हरामी मार देगी भी दिखना। हाँ से बिस्किट खिलाने। और मैं बिस्किट खिला के बहुत थक गए क्योंकि मैं आप जैसा देख सकते हैं मैं कॉलेज से आया, डायरेक्ट मेरे को पिल्ले दिखे यानी कुत्ते के बच्चे दिखे। मैंने भैया को बोला कि भैया ऐसे दिख रहे हैं, चलिए बिस्किट खिला के आते हैं। तो भैया के साथ मैं गया था खिलाने। और अब मैं जाऊँगा, मैं ड्रेस खोलूँगा क्योंकि मैंने अभी तक अनपैक भी अपने आप को नहीं किया कॉलेज से आने के बाद। कॉलेज से आ रहा था, इसको फिर बच्चे दिखे, ये मेरे को फ़ोन करके बताया, फिर ये वापस आया, बिस्किट लेने गए हम लोग, मतलब रूम में ही था बिस्किट, फिर ले के गए, फिर खिलाए। और दो गाय हम लोग के पीछे भी पड़ गए थे, गुस्सा हो गए थे हम लोग के ऊपर कि पिल्ले को ही क्यों खिला रहे, हम लोग को क्यों नहीं खिला रहे, पार्शलिटी तो, नहीं करने का ना ये। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइज अभी टाइम हुआ है शाम के 7:30 बजे और मैं खाना खाने बैठा था। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि टिफ़िन में पता है क्या है, पुलाव है और ये कड़ी सब्जी है, कढ़ी और ये पनीर। बेसिकली पनीर सब्जी संडे को आता था लेकिन कल मैस बंद है, मतलब कल मतलब संडे को, तो आज ही दे दिए पनीर और साथ में दाल के जगह आज कढ़ी है। तो आज मैं पेट भर के खाने वाला हूँ। तो बाय। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी मैं ये खरीद के ला रहा हूँ स्किपिंग रोप रस्सी कूदने करके। तो मैंने उनको पूछा इसका रेट क्या है, तो बोलते हैं कि 150। तो मैंने तपाक से बोला 140 में दे दो,
तो दुकान वाला बोलता ठीक है ले लो ले लो, लेकिन अभी मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे 130 बोलना चाहिए था, तो शायद 130 में भी वो दे देता। तो खैर कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे इस बात का। और मेरे से ये सब होता नहीं है रेट कम करवाने का, इसीलिए फर्स्ट टाइम था, मतलब एक दो बार और कर चुका हूँ, लेकिन ये अच्छे से याद रहने वाला फर्स्ट टाइम था। तो देखते हैं, अभी बज चुके हैं रात के 10, ब्लॉग समाप्ति की घोषणा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।